नावा, निलेश पाटिल शुकेट ढाकी, फैम टीम और गावदेवी अंजूर, बड़ा नाम है। गावदेवी अंजूर आप देख रहे हैं, बाले मामा शिक्षक, ये मैच नंबर 5 आपके सामने। कल कौन बनेगा विजेता, हु विल बी दी चैंपियन ऑफ बाले मामा शिक्षक, कल फैसला हो जाएगा। खेल की शुरुआत होती हुई दूधिया रोशनी अब ऑन हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की हम बात करें तो सबसे पहले दिन और रात के मैचेस की शुरुआत हुई थी 17 फरवरी 1985 में। कल काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा, बाले मामा शिक्षक को लगभग 1,92,000 लोगों ने कल देखा था। अनुमान है ये रिकॉर्ड आज टूट जाएगा। स्वागत है आप सभी का, सुमित कुमार इन कंपनी गुंदोली और साथ ही साथ एडवोकेट राजेश पाटिल इस स्पर्धा के फोकस मैन। पूरी टीम, चाहे फिर संदीप पाटिल हो, चाहे नीलेश हो, चाहे मोहिल हो, चाहे तेजस हो, सभी का हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती भी टॉस को जीता इस वक्त गावदेवी अंजूर ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। देखिए भिवंडी क्रिकेट तालुका के पन्नों को मैं खोलता चलूं, मैजिक ऑफ भिवंडी उमा जिस तरह गेंदबाजी में माहिर थे, विश्वास मात्रे, चैलेंज एक्सप्रेस, एक ऐसा नाम है एकता मिसाइल, प्रशांत मात्रे, विश्वास मात्रे, इम्तियाज़ पापा, फरूक मुन्ना, शंकर टावड़े, संजय टावड़े, विलासार, ये वो नाम थे। प्रहलाद पाटिल, साथ ही साथ नहीं भूल सकते हम उन क्रिकेटर को जैसे अमित लीले हमारे बीच नहीं रहे, प्रिंस ऑफ बड़ेमन अली उनको मैं कहता था, और वो जो शॉट खेलते थे वो बहुत दिलकश। ये वो नाम है जिन्होंने भिवंडी तालुका में धूम मचाई। बाद में दौर शुरू हुआ दीपक मडवी, संतोष मडवी, प्रमोद मात्रे, अमोल पाटिल, बहुत नाम है। बहरहाल चलते हैं इस मैच की तरफ। बाले मामा चषक में जब शाम ढल जाती है तो क्रिकेट और जवान हो जाता है। स्वागत है आप सभी का। सर्कल की एलईडी लाइट मैंडेटरी पावर प्ले का इशारा करती हुई गेंदबाजी में कुणाल मात्रे केएम को लगाया गया है। मुकेश को देखा जा रहा है। कुणाल मात्रे केएम बाली ट्रॉफी 2018 के बहुत ही फोकस खिलाड़ी थे। बाली ट्रॉफी 9 से 21 को आए दिन बाहर के। कुणाल मात्रे पहली गेंद इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गेंद को स्टीयर किया थर्ड मैन पर, एक रन से खाता खुला। बैट्समैन मनीष गरत का एक रन से खाता खुला। एवन जोड़ी नावा का, नावा बड़ा नाम है, नावा शिवा जिस तरह बड़ी बंदरगाह है उस तरह नावा क्रिकेट में बड़ा नाम है। फील्ड की जमावट देखिए, एक शॉर्ट टर्मैन है, एक शॉर्ट फाइन लेक है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेक, लगभग वाइडिश शॉर्ट फाइन लेक भी हम कह सकते हैं, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर है, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पे है, एक खिलाड़ी स्टेटिश मिड ऑफ पे, और एक खिलाड़ी लगभग काउ कॉर्नर की पोजिशन में है सर्कल में। कुणाल मात्रे इस मरतबा फिर खेलने की कोशिश, गेंद ने फिर बल्ले का बाहरी किनारा लिया, फिर एक रन आता हुआ, एक रन से स्कोर, रन नहीं लिया है, एक ही रन। जरा लेंथ में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, ऑनलाइन
इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं डांसिंग अंपायर घोटिया, जिनको बालिया मामा चषक 2011 17 जनवरी को उनको मौका दिया गया था, जिस दिन ग्रामीण सम्राट का जन्मदिन रहता है। स्वागत है घोटिया आपका भी। इस मरतबा पैरों पे निशाना, सवाल पूछा वहां पर, यस इज आउट LBW, बड़ी विकेट। परफेक्ट गेंद, मिडल स्टंप पे गेंद पिच हुई थी, कट के मिडल और लेग पे आ रही थी, बढ़िया निर्णय अंपायर का, प्लम LBW। पहला विकेट गिरता हुआ आउट होके चले गए बैट्समैन भूषण भुईर, शून्य का चश्मा पहन के। स्वागत है आप सभी का। आज शाम काफ़ी सुहानी और काफ़ी दर्शक इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। एक बात तो है कि 6 रातें और 6 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला, इसीलिए तो कहता हूँ एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट बालिया मामा। बालिया मामा चषक को बहुत खूबसूरती से फॉर्मेट को ऑर्गेनाइज़ किया, हालांकि थोड़ी बहुत टीमें जब लेट पहुँची तो डिस्टर्ब ज़रूर हुआ, लेकिन जब शाम ढल जाती है तो फिर बालिया मामा चषक जूम पकड़ता है। कुणाल मात्रे विकेट ले चुके हैं, अंजूर के वो खिलाड़ी हैं कुणाल मात्रे, जिन्होंने ना सिर्फ ग्रामीण क्रिकेट बल्कि सिटी क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवाया है। एडवोकेट राजेश पाटिल इस स्पर्धा के लिए 1 महीने से पहले प्लानिंग की थी और सफल पूर्वक अब अंतिम चरणों में। इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद पैरों से रोकने की कोशिश, खराब फील्डिंग, 4 रन। मनेरा थे वहां पर, लेकिन इस तरह के रन काफी भारी पड़ते हैं। ड्राइव किया था फुल पे, आइए फिर से देखते हैं पिक्स ऑन दी फुल एंड फर्मली ट्रेवन पास दी वाइडिश मिड ऑफ। यू कैन सी देयर मैक्स रूम, लवली लुकिंग स्टॉक, फाइंड द गैप वेरी वेल, 4 रन्स। चौके से खाता खोला मीत पाटिल का, स्कोर 5 रन। ओह क्या गेंद है, क्या जवाब है, जबरदस्त वापसी, काफी बढ़िया नोकझोंक आप देख रहे हैं, काफी बढ़िया गर्मा गर्मी। ये देखिए क्या कटी थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद इन कटर, KM कुणाल मात्रे। कुणाल मात्रे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए पाइपलाइन एंड से। इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन। 1 रन के साथ गजब का मैंडेटरी पावर प्ले में ओवर करते हुए इस वक्त तक के हम। ये डगआउट का नज़ारा जहां पर A1 जोड़ी नावा टीम बैठी हुई है। एक ओवर की समाप्ति और अजय देखिए 6 रन और 1 विकेट। मनीष खरत एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया। मीत पाटिल ने 3 गेंदों में 5 रन बनाए, बढ़िया ओवर KM कुणाल मात्रे का रहा, जहां पर एक बड़ी विकेट ली थी। और इस ओवर में हमने देखा अजय के कुणाल मात्रे ने गेंदों को अंदर लाया, इन कटर गेंदबाजी की, क्रीज के कोने का लाजवाब इस्तेमाल किया। गावदेवी अंजूर ग्रामीण क्रिकेट का बड़ा नाम है, पहले ZP कप की विजेता टीम है, हर टीम का एक दौर रहा है। अजय एक ज़माना था एकवीरा पिंपल नैर नाकाबिले शिकस्त टीम थी, आजकल जैसे घोड़सई भी का नाम चला है यही नाम था गावदेवी अंजूर का भी, लेकिन घोड़सई भी के लिए इस सीज़न में काफ़ी चैलेंज है, स्पेशली टेम्बोली कार्योली वीर तानाजी दापोडे। बहरहाल खेल की शुरुआत
तेजस्वी सदन एंड से जो बालिया मामा के बांग्लो का नाम है अजीत ढाकी, साइड आर्म गेंदबाज, सिटी क्रिकेट में भी अजीत ढाकी ने काफ़ी नाम कमाया। सामना करेंगे मीत पाटिल। पहली गेंद कट करने की कोशिश, ज्यादा कटी वाइट, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के। हालांकि स्क्वायर कट करना चाहते थे बैट्समैन मीत पाटिल। अजीत डाकी उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर एक रन, हाफ ऑल ही थी, थोड़ा आगे रख दिया था डाकी ने। अजीत डाकी इस मरतबा स्लॉक कर दिया है, मेरे ख्याल से फ्लिक स्ट्रोक है, छोटी बैकलिप से मिड विकेट के ऊपर एफर्टलेस शॉट, 6 रन। की शॉट के पीछे ताकत है, टाइमिंग के बलबूते पर फ्रंट फुट को आगे किया, केवल फ्लिक वर्क कर दिया और डाकी की गेंद पे 6 रनों का डाका डालते हुए स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 14 पर। एवन जोड़ी नावा, नीलेश एंड सुकेश फैम टीम। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव ऑन द राइज खेला है मनीष गरत ने, 4 रन। नावा गरत ने जब भी बल्लेबाजी की है नावा टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। व्हाट अ प्लेयर इज, 18 रन 18 रन 1 विकेट। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव है, कारपेट ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, 1 रन। अजीत डाकी महंगे साबित होते हुए इस मरतबा स्लॉग करने की कोशिश, जोखिम बड़ा रन पूरा किया है, हालांकि शॉट भी जोखिम भरा था और कहते हैं कि किस्मत भी जोखिम वही लेता है लेक बाय जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों को सलाम करती है, फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। 20 पे पहुंचा स्कोर, बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं। एवन जोड़ी नावा की टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई, अगली दो टीमों को तैयार रहना है। अजीत डाकी फॉलिंग स्वीप की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, ये देखिए किस तरह से शॉट खेलना चाहता, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे शफल जिसे कहते हैं बैट्समैन मीत मनीष गरत ने। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 20। पहले ओवर में जहां बैकफुट पे थी एवन जोड़ी नावा, दूसरे ओवर में अब आगे बढ़ गई है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गावदेवी अंजूर के पास भी 5 ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी और किसी भी ग्राउंड पर करारा जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर रन ज़्यादा हुए तो फिर बल्लेबाजी पे दबाव बढ़ जाता है। बहरहाल ये मैच बहुत ही कांटे का रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। तेजस्वी सदन की लाइटें अब जल चुकी है, बहुत खूबसूरत नज़ारा,
चांद थोड़ी देर के बाद निकलेगा। पावर प्ले खत्म हो गया है, एलईडी लाइट अब बंद होने जा रही है। सर्कल की जो एलईडी लाइट है, पावर प्ले का कोठा बंद होता हुआ ये देखिए, 20 रन एक विकेट, 10.00 का करंट रन रेट, क्रेजी किया रे, दीवाना वार लोग बाले मामा चषक को देख रहे हैं। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता कुणाल मात्रे को कंटिन्यू रखा गया है। अच्छी सोच है कप्तान की, पहले ओवर में केवल 6 रन दिए और एक विकेट। कुणाल पहली गेंद बैकफुट पे गए, मिस टाइम स्ट्रोक है, एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक रन से मीत पाटिल पहुंचे 7 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 21 रन एक विकेट। मनीष खरत सामना कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम बताए कि अगला मैच किसका होने जा रहा है। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही यस जेएच कामोटे से खेलेंगी। कामोटे ने आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, बल्ले का सिरा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर एक रन, 22 पे पहुंचा स्कोर एक विकेट कमाने के बाद, 22 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। ओवर नंबर 3 चल रहा है। आज मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जब घनसोली टकराएंगे गावदेव वडू नौघर से। 22 रन आज आरके बिल्डर घोरसई बीबी एक्शन में नजर आएंगी। इस मरतबा खींच के मारा है, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। गेंद सीधी ट्रैवल होती भी टिप मिड विकेट पर, आकाश पाटिल थे पीछे, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है एवन जोड़ी नावा का, 23 रन एक विकेट। एवन जोड़ी वाकलन टीम आगे बढ़ चुकी है और क्या परफॉर्मेंस रहा केतन मात्रे का। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव है, पीछे खिलाड़ी हैं, एक रन बना है, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, आसानी से 2 रन पूरे किए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मनीष खरत, इन 2 रन से मनीष पहुंचे 15 पर, 7 गेंदों का सामना किया, एवन जोड़ी का स्कोर पहुंचा दिया 25 रन एक विकेट। ओवर नंबर 3 चल रहा है। लंबे रन अप से मुड़ते हुए कुणाल मात्रे के एम, इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट, शॉट को चेक किया वहां पर, एक रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और गेंदों को अंदर की जानिब काट रहे हैं कुणाल मात्रे, एक रन से स्कोर 26 रन एक विकेट, 26 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। वी आर इन ओवर नंबर 3, यू आर वॉचिंग बालिया मामा कप 2023 गुंदोली। कुणाल मात्रे स्लॉग कर दिया है, गेंद मस्तक पे दस्तक, 6 रन, क्या शॉट खेला है मीत पाटिल ने। अब वो ये नहीं कह सकते कि मीत ना मिला रे मन का। किसी को मीत मन का चाहिए, लेकिन गेंद मन की मिली थी मीत पाटिल को, बहुत ही खूबसूरत शॉट। आइए देखते हैं, थोड़ी सी गलती कर बैठे, क्रीज के कोने से किया था, अंदर कट्टी भी गेंद, घुटना टेक और सिक्सर देख, गजब का शॉट। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ, 32 रन एक विकेट। मीत खेल रहे हैं
14 पर 8 ही गेंदों का सामना किया है। मनीष गरत ने 8 गेंदों का सामना किया है, 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, टोटल अजय मैं मानूंगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद एवन जोड़ी नावा ने बनाया। कुणाल मात्रे का बॉलिंग एनालिस, 2 ओवर 18 रन और 1 विकेट, इस ओवर में 12 रन खर्च किए कुणाल मात्रे ने। देखिए, गावदेवी अंजूर की जो बल्लेबाजी की ताकत है, 60 तक अगर टोटल जाता है तो गावदेवी अंजूर के पास ऐसे बैट्समैन है जो इस स्कोर को चेस कर सकते हैं किसी भी तरह की गेंदबाजी की यूनिट के सामने। लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर बल्लेबाजों पे मानसिक दबाव आ जाता है। बने रहिए हमारे साथ, बालियामामा चेषक 20-23 में, डोंट गो वे। खेल की शुरुआत होती भी देखना है कि तेजस्वी सदन एंड से मोर्चे पे किसको लगाया जा रहा है। बाएं हाथ के बॉलर इस वक्त वार्म अप कर रहे हैं। निखिल मात्रे को मोर्चे पे लगाया गया है। डेथ ओवर एक ऐसे ओवर्स रहते हैं जहां से, जिसे क्रिकेट में लूटमार के ओवर भी कहा जाते हैं, सामना करेंगे क्योंकि 10 के 10 बैट्समैन एवन जोड़ी नावा के पास है। तो इस स्थिति में बल्लेबाज पूरी तरह रिस्क ले सकते हैं, उनको पता है कि लंबा बैटिंग लाइनअप है। निखिल मात्रे पहली गेंद जड़ में थी, बढ़िया गेंद, ऑन ड्राइव लगाने की कोशिश, बाहरी सिरा लेकर गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 33 पे पहुंचा है। मीत पाटिल सामना करने जा रहे हैं निखिल मात्रे का। निखिल मात्रे तेजस्वी एंड की तरफ से मुड़ते हुए, तेजस्वी सदन इस मतलब अपने स्टेप में चूके, डेट बॉल। निखिल मात्रे रन अप छोटा है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मतलब बहुत ही कड़क शॉट है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लेदर क्रिकेट का शॉट कहेंगे जिस तरह खेला था वहां पर ऑन साइड में। एवन जोड़ी नावा का स्कोर 37 रन 1 विकेट। निखिल मात्रे ओ फिर जड़ में गेंद, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, परफेक्ट यॉर्कर थी, बल्ले के अंदर लगी थी, चाइनीज कट लगा था, 1 रन, 38 पे पहुंचा है स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद, 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। निखिल मात्रे अब सामना करेंगे मनीष गरत, उछाल दिया गया इनको आसमान में, हाई एंड सम, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। तो फ्रंट फुट पे नहीं आते तो लेंथ गेंद रहते, लेकिन फ्रंट फुट पे आकर हाफ वॉली पे लिया, सीधे ब्लेड से उछाल दिया, गजब की टाइमिंग। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि केवल कलाइयों को झटका दिया था,
बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है एवन जोड़ी नावा का 44 रन 1 विकेट। मनीष खरत 10 गेंदों में 23, 10 गेंदों में 19। मीत पाटिल विकेट के लिए तरसती भी गावदेवी अंजूर। ओ फिर से अच्छी वापसी, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, एक अच्छी गेंद एक खराब गेंद, एक रन से स्कोर 45 पे पहुंचा है। ओवर नंबर 4 चल रहा है, 45 रन 1 विकेट। निखिल मात्रे क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया ऑन साइड में, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। ओवर नंबर 4 चल रहा है, 4 खत्म हो चुका है, 4 ओवर की समाप्ति, 47 रन 1 विकेट। यस, ये देखिए तेजस्वी सदन वंडरफुल बांग्लो की दुनिया का सरताज बंगला, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या लाइट है। और यस, बांग्लो में हम सम्राट बांग्लो भी कह सकते हैं क्योंकि ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बाल्या मामा का ये बांग्लो है तेजस्वी सदन। लाइट देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग देखिए, स्पैनिश और यूके जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनकी झलक मिलती हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और क्या खूबसूरत लगता है, फिर से मैं कहूँगा कि जमुना के किनारे पूनम की रात में ताजमहल का नज़ारा और गुंदोली के किनारे पूनम की रात में तेजस्वी सदन का नज़ारा अद्भुत है। खेल की शुरुआत होती हुई डेथ ओवर में पाइपलाइन एंड की तरफ से अलंकार को मोर्चे पे लगाया गया है। अब अलंकार की ललकार क्या रहती है, ये अलंकार की गेंदबाजी को ललकार के बाहर भेजते हैं। देखिए दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम गई है, यहाँ से अगर 15 रन आए तो एक अच्छा ऐसा टोटल है गावदेवी अंजूर चेस कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा आगे तो फिर कठिनाइयाँ हो सकती है। 60+ एक मानसिक दबाव, क्योंकि अभी भी मौसम में किसी तरह का ठंड नहीं है, गेंदे बाहर जा रही है, बल्ले पे पूरी तरह से आ रही है। विकेट बहुत लाजवाब बना है, ये विकेट की तारीफ बाहर की सभी टीमें कर रही है और भिवंडी तालुका की भी। पहली गेंद अलंकार की बैकफुट पे गए, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ सरक रही है 4 रनों के लिए। खूबसूरती के साथ इनफील्ड के ऊपर से खेला 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 51 पे पहुंचा है 1 विकेट। अलंकार भुईर इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक और चौका, निशाना सीधा जाके लगा है लैंडलॉर्ड ऑफ भड़ोडी स्पॉन्सर मैन ऑफ द सीरीज बाइक मौसम पाटिल, उसी बाइक पे निशाना। कहीं ऐसा तो उनका ख्याल नहीं कि नावा का नारा है, नावा के किसी बैट्समैन का ये बाइक हमारा है। बैरियल अभी बहुत देर है, अभी एक से बढ़कर एक रेस के घोड़े लगे हुए हैं इसके पीछे।
55 रन एक विकेट। कल साफ हो जाएगा कि इस बाइक जो लैंडलॉर्ड ऑफ बड़ोड़ी मौसम पाटिल ने हमें स्पॉन्सर किए, इसकी ड्राइविंग सीट पे कौन सा खिलाड़ी बैठता है। दो चौके आ चुके हैं, तान दिया है, तान दिया आसमान में, क्या कैच होगा? यस, बढ़िया कैच, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, कमर पे हाथ देके खड़े रह गए बैट्समैन, लेकिन कहते हैं एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। आउट हो गया बैट्समैन, ऊंचाई ज्यादा थी लंबाई कम। रन हो चुके हैं दो विकेट। रायगढ़ की तोप कमेंटेटर मच्छिंदर पाटिल भी हमसे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिनकर सेठ ट्रॉफी में अपने आवाज़ का जादू जगाया था और ये तोप भिवंडी तालुका में अपनी आवाज़ की खूब चली थी। 55 रन दो विकेट। डिथ ओवर चलता हुआ, दो चौके लगे, एक विकेट गिरा अलंकार भुईर के इस डेथ ओवर में। नए बैट्समैन वैष्णव भुईर। इस मरतबा बैठक शॉट खेला है, एलिवेशन नहीं है शॉट के पीछे, गेंद हालांकि डीप में पहुंची है, रन आउट की अपील और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। बढ़िया थ्रो आया था पहले बाउंस पर डीप से और बढ़िया कलेक्शन अलंकार का, एक ही एक्शन में गेंद को उछल के पकड़ा और एक ही एक्शन में उन्होंने स्टंप पे थ्रो कर दिया। यस, बैट्समैन आउट। अलंकार ने सही निकाल दी तो फिर मैं कह सकता हूं कि गावदेवी अंजूर के पास भी ऐसी बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन हैं, ऐसे बैटर हैं जो जवाब दे सकते हैं। 56 रन तीन विकेट, लेकिन दो गेंदों में अगर एक भी बड़ा शॉट आया तो चेसिंग में वो दबाव बढ़ा सकता है। अलंकार इस मरतबा बैकफुट पे जाके फोर्स कर दिया गेंद को और गेंद जा रही है सीधा काउ कॉर्नर के ऊपर। 6 रन। शॉट वैष्णव भुईर, ये भी बड़ा नाम है और हमेशा अपने हाथ पर अपना नाम लिखते हो। क्या शॉट है, क्लास झलकता है वैष्णव भुईर का। देखिए थोड़ा सा गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया था, फोर्स किया था, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट। इस मरतबा तेज ड्राइव है, आउटफील्ड में खिलाड़ी है, एक रन बनाए, दूसरे की कॉल है और दो रन पूरे करते हुए तीसरे के लिए पलट चुके हैं और यहां बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पे रन बनाए एवन जोड़ी नावा ने 64, नीलेश पाटिल सुकेत डाकी स्पॉन्सर टीम 65 का लक्ष्य रखा है गावदेवी अंजूर के सामने। एक इनिंग ब्रेक चलता हुआ, तब तक के लिए चलते हैं हम साईं सागर डीजे के पास।
गंगा माता क्रीड़ा नगरी गुंदोली में इस वक्त ये शाम आप सभी के नाम समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको, हवाएं तेज और कश्तियों में शाम हो जाए और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एलईडी लाइट जल चुकी है, यादगार शाम में आप सभी का स्वागत है। सुमित कुमार इन कंपनी गुंदोली, ये देखिए दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए, आकाश पाटिल और मुकेश पाटिल। देखिए आकाश पाटिल के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इन फ्रंट ऑफ द विकेट सबसे पहले इस शॉट को ज़्यादा खेलने वाले पावर हिटर ऑफ भिवंडी जीतू गौली, उसके बाद नाम आता है योगी का, फिर नाम आता है जुल्फिकार का, नाम आता है आकाश पाटिल का, नाम आता है सचिन गायकॉट का। ये वो खिलाड़ी हैं, जरार मुल्ला अलसो, ये वो खिलाड़ी हैं जो सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। पवन के ने सामने खेलते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर खेलते हैं, उनके जो शॉट है उसकी आप नकल भी नहीं कर सकते। कल क्या शॉट खेला था उन्होंने, कल छोड़िए परसों की जो 50 थी 13 गेंदों में। अगर महिंद्रा स्पोर्ट के सुनहरे दौर की बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी चमके थे, लेकिन मुकेश पाटिल की मैं बात करूं तो दापोडी टीम के लिए खेले थे और बी इंडियन के सामने अर्धशतक लगाया था बालाजी कप 2018। वैष्णो भुईर लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में वो इंटरव्यू को मेरे पास आए थे तो उनके हाथ पर और शायद सीने पे अपना नाम लिखा हुआ है। गले पर ये नाम लोग लिखते हैं लेकिन किसी और के लिए। बहरहाल वैष्णो भुईर नावा टीम के सितारे सामना करेंगे आकाश पाटिल। आकाश पाटिल की भी टेस्टिंग है क्योंकि आकाश पाटिल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अगर गावदी भी अंजूर को इस मैच को जीतना है तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। बैकफुट पे गए, हल्के से ने गेंद को निकाल दिया, रन पूरा, आंखों आंखों में कॉल हुआ था, एक रन से खाता खुलता हुआ आकाश पाटिल का, खाता खुलता हुआ गावदी भी अंजूर का। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही PK11 कामोटे से टकराएंगी। बने रहिए हमारे साथ। आमिर खान के पीके में जो मजा नहीं आया होगा, अगले मैच में पीके कामोटे के मैच में मजा आएगा। मुकेश पाटिल इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स के लिए काफी जाने जाते हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी ज्यादा खेलते हैं। सामना करें वैष्णो भुईर का, ये देखिए फिर इम्प्रोवाइज क्रिकेट, कमाल का शॉट पॉइंट के बगल से, स्विच हिट, 4 रन। क्या शॉट खेला है, मैंने कहा था कि इम्प्रोवाइज स्ट्रोक बहुत ज्यादा खेलते हैं। देखिए स्विच हिट है, सिर्फ स्विच नहीं है बल्कि स्विच हिट भी है। गेंद निकल गई पॉइंट बाउंड्री पर, 4 रन। सर्कल में खड़ा था पॉइंट का खिलाड़ी क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। मुकेश पाटिल का 4 से खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के। वैष्णो भुईर ओ पल्लू शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले पे नहीं आई, थोड़ा सा अपने आप से नाराज है वहां पर। हालांकि गेंद मिली थी उस शॉट के लिए लेकिन बल्ले का मुंह जल्दी खोल दिया और गेंद थोड़ी रुक कर आई, बल्ला पहले ही घुमा था।
बल्ले पे पीछे गेंद लगती है, टीमें पीछे चली जाती, सामने गेंद लगती है, टीमें आगे चली जाती। वैष्णव भैर कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, फील्डर है, रनआउट का भी मौका था, रन पूरा। मेरे ख्याल से रोहन थे वहां पर, रोहन उर्फ जॉन्टी। ये देखिए रूम बना के खेला था, एक्सपेक्टेटर कैच था, पहले बाउंस पे गेंद गई थी, 6 रन बिना किसी विकेट के, 6 विदाउट लॉस। वैष्णव भुरे पाइपलाइन लाइन की तरफ से आते हुए कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल, अतिरिक्त रफ्तार, बीट किया आकाश पाटिल को, हालांकि अधूरे मन से कट शॉट खेलना चाहते थे, देखना है जगह थी या नहीं कट करने के लिए। ओह जगह भी नहीं थी और अतिरिक्त उछाल भी था, अतिरिक्त रफ्तार भी थी। वैष्णव भोयर, मोहिल पाटिल काफी एंजॉय करते हुए, स्विच हिट किया है, गेंद हवा में, आकाश पाटिल आउट हो गए, जाल में फंस गए, कोई गलती नहीं की गौतम ने। इस पहला झटका लगता हुआ आकाश पाटिल 1 रन बनाकर आउट हुए। एक ओवर की समाप्ति जहां 6 रन एक विकेट गिरा था, वहीं पे 6 रन और एक विकेट। खेल की शुरुआत होती भी तेजस्वी सदन एंड से अब मोर्चे पे लगाए जा रहे हैं गेंदबाज। रोहन गरत को नए बैट्समैन सुनील गरत, रिकार्डो पावेल ऑफ ग्रामीण। सुनील गरत ने भी बालाजी चषक 2018 में एक अर्धशतक जमाया था। सिटी क्रिकेट थोड़ा कम खेलते हैं। रोहन गरत मुकेश पाटिल के लिए, इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है बल्ले की जड़ से, 1 रन बना, दूसरे में हाना चलती भी, रन आउट की अपील और अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। यस नो और वेट का मिश्रण नहीं था वहां पर। खराब तालमेल था दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सुनील ने रन के लिए वापस कर दिया और बहुत मुश्किल निर्णय अंपायर के लिए, टच एंड गो।
बड़ी विकेट रन आउट। बड़ी विकेट गिरते हुए मुकेश पाटिल रन आउट होके चले गए। देखना है कि सुनील गरत का साथ निभाने नए बैट्समैन कौन आते हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन गरत, सामना करेंगे सुनील गरत और मेरे साथ अजय गरत। रोहन गरत नए बैट्समैन संकेत आए, स्विंग एंड मिस, ट्राइप लगाना चाहते थे फ्रंट फुट पे आकर सुनील गरत। ताकतवर शॉट के लिए जाने जाते हैं। एक बात तो है कि अगर सुनील गरत ने एक बड़ा शॉट खेला तो फिर एक पे वो रुकते नहीं है। गावदेवी अंजूर को उनकी बल्लेबाजी की जरूरत। इस मरतबा ड्राइव किया गया, इनको लॉन्ग ऑफ पे खिला रही है, दो रन बनाए बैट्समैन ने। संकेत मनेरा पिछले सीजन में अंजूर के क्रिकेट ग्राउंड पे अर्धशतक जमाया था उन्होंने। यस, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में क्या बल्लेबाजी की थी, वो भी वाकलन के विरुद्ध। रोहन गरत सुनील को ऑफ स्टंप के बाहर वाइट, एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। खराब गेंद थी, बहुत दूर कर बैठे थे। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट है लेकिन हवा में गेंद है, एलिवेशन नहीं था, आउट हो गए सुनील गरत। एक यहां पर गावदेवी अंजूर हमारे बीच में माननीय श्री सहदेव पाटिल साहब का आगमन हो चुका है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संदीप पाटिल के पिताश्री हैं, न्यायति आदर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। कहाँ जाता है जिन्होंने बुजुर्गों की इज्जत नहीं की वो कौमें तबाह हो गई। बच्चों से प्यार और बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। नए बैट्समैन के एम आए कुणाल मात्रे, आते ही गेंद को लॉफ कर दिया है डाउन द ग्राउंड। क्या गजब की फील्डिंग है, क्या गजब की फील्डिंग है। वैष्णो भुईर ने 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, कमाल का एफर्ट रहा था वहां पर। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ गावदेवी अंजूर का 12 रन 3 विकेट। बहुत कुछ डिपेंड करता है के एम कुणाल मात्रे पर। रोहन गरत कुणाल मात्रे के लिए,
वाइड यॉर्कर। ओवर समाप्त होते हुए दो, पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है, रन बने 12, लेकिन ओवर बचे 3, कठिनाइयां बढ़ती हुई। यहां से रन चाहिए कुल मिलाकर 53, इन्हें 17 लगभग 7 का स्कीइंग रन रेट। देखिए अजय, मैंने पहले ही आकलन किया था 55 अंडर 60, अगर टोटल रहता तो एक अलग बात रहती, लेकिन कहते हैं जो हुआ सो हुआ, क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं। गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा है, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, नो बॉल, यस लेग बाय, नो बॉल, 1+1 बीमर ओवर वेस्ट हाइट। दो रन आते हुए कुल 14 3 विकेट। गांव देवी अंजूर को अगर मैच जीतना है तो गेयर बदलना होगा, क्या केएम उनके पास ये एबिलिटी है बड़े शॉट खेलने की? बैकफुट पे चले गए, गेंद को फोर्स किया, गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग, 2 बने, तीसरे की कॉल है, 3 बनाते हुए इन 3 से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 पे पहुंचा है। सत्रह रन 3 विकेट। आप गेंदे बचिए 17 और रन चाहिए 48। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक है, ओ ट्रॉप, जॉन्टी थे लेकिन बढ़िया बाद में फट रहा था उनका। इस बीच 3 बनाए संकेत मनेरा ने, मनेरा का खाता खुलता हुआ, गावदेवी अंजूर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। मुश्किल अवसर था, और ये देखिए बाद में अपने आप से कितने नाराज है कि पैर पटक दिया। सोलह गेंदों में 45 चाहिए, कोशिश हो रही है। संकेत मनेरा एक ऐसे बैट्समैन है और केएम जो मैच को बना सकते। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4। इस चौके की मदद से ये देखिए मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर बाय लैंडलॉर्ड ऑफ भड़ोड़ी मौसम पाटिल साहब, मशहूर उद्योगपति। और देखिए मौसम पाटिल बहुत ही हसमुख पर्सनालिटी है, मौसम पाटिल किसी मौसम के मोहताज नहीं है, आज हमारे बीच रहेंगे।
इस मरतबा फिर बल्ले के फेस को खोला, फिर स्टीयर किया है, फिर गेंद बाउंड्री के बाहर। ये क्लास है संकेत मनेरा का। अटैक कर दिया है यहाँ पर, चार गेंदों में अब तक 16 रन है। चिंतित नजर आ रहे हैं अब, 14 गेंदे 37 रन। गावदेवी अंजूर पलटवार करती हुई वैष्णो भुईर पे। ओ इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से फ्लिक करना चाहते थे ऑफिस हिप्स, गेंद वहीं पे रुक गई, डॉट गेंद। तेरह गेंदे 37 रन। स्लाइस कर दिया है, एक और दिलकश स्ट्रोक, चार रन। सामने से अब चांद निकलता हुआ और तीन ओवर की समाप्ति, रन बने 32, 12 गेंदे 33 रन। व्हाट अ मैच। पीके कामोटे की कैप्टन, आपको हमारे आरके बिल्डर 3 स्टार टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बने रहिए हमारे साथ, अगला मुकाबला पीके कामोटे। आमिर खान की पीके कामोटे के क्रिकेट के सामने फीके हो जाएंगे। 12 गेंदे 33 रन। खेल की शुरुआत होती हुई, ये ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
एवन जोड़ी नावा चाहेंगी कि कम रन बने, अंजू चाहेंगी कम से कम 12-15 आ जाए। इसमें तब आप बढ़िया ड्राइव आउटफील्ड में खेला है, गेंद गैप में जा रही है, जब तक कि गेंद को व्हाइटिश लॉन्ग ऑन पे जाके उठाते 2 रन। अब शुरू हो चुके हैं संकेत मनेरा, 11 गेंदे 31 रन। ये मैच धीरे धीरे अब फंसता जा रहा है, दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे धीरे धीरे गर्म हो रहा है। संकेत मनेरा सामना कर रहे हैं, फिर जड़ में गेंद थी, इस मरतबा बढ़िया गेंद। बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त गौतम गायकाउट जी, ये हमारे दर्शक, पैक क्राउड लग रहा है वहां पर, हार्दिक स्वागत है सभी का। टीकू मात्रे वहां नजर आ रहे हैं, अजिंक्य भी नजर आ रहे हैं। यस, शंकर पाटिल भी नजर आ रहे हैं, अर्जुन पाटिल हैं, अरविंद भी हैं। इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर उस तक पहुंच गए और संकेत मनेरा का विकेट गिरता हुआ। रिव्यू लिया है बैट्समैन ने, यस रिव्यू मांगा है तुरंत ही बल्लेबाजों ने, ओवर वेस्ट हाइट। फेयर डिलीवरी, आउट हो गए संकेत मनेरा। ये फिर से हम हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है, वहां पे कुछ खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं, कामोटे के, पीके कामोटे के, 9 गेंदों में 31 रन चाहिए। अब सब कुछ डिपेंड है कुणाल मात्रे पे, 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर गावदेवी अंजूर एवन जोड़ी नावा के सामने। नीलेश पाटिल, सुकेश डाकी स्पॉन्सर टीम। खेल की शुरुआत होती हुई, नए बैट्समैन पीके 11 जय हनुमान स्पोर्ट्स कामोटे। बढ़िया गेंद, अतरी कुचाल था, आगे भी रखी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे नए बैट्समैन निखिल मात्रे। डॉट गेंद, इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइट। अभी तक इस मैच में बल्लेबाजों का बल्ले बल्ले नहीं हुआ है। आठ गेंदे 30 रन, धीरे धीरे दबाव अब बढ़ता हुआ गावदेवी स्पोर्ट अंजूर पे। अच्छा ड्राइव, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ गावदेवी अंजूर का पहुंचा है 36 रन 4 विकेट। 7 गेंदों में 29। ये देखिए बहुत ही नन्ही मुन्नी बच्ची है,
मेरे ख्याल से हमारे ब्लैंक जैकेट सात गेंदे 29 रन, बैठक मारने की कोशिश, जड़ में गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर, एक ओवर और गावदेवी अंजूर के पास एक ही चारा रह गया है, हिट आउट और गेट आउट। आइए दोस्तों हमारे बीच संदीप पाटिल के पिता श्री सम्माननीय सहदेव पाटिल साहब हैं, आइए उनका हम एक सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं की, अपने बड़ों का आदर नहीं किया, वो कौम बहुत जल्दी चली गई। छह गेंदे 29 रन, गेंदबाजी में सौराज पाटिल को बुलाया गया है। बाएं हाथ के बैट्समैन निखिल मात्रे सामना कर रहे सौराज का, इस मरतबा घूम के खेला है लेकिन पीछे थोड़ी सी चूक हुई है और गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन। पांच गेंदे 25 रन, रोहन जो कि सबसे अच्छे फील्डर है आज उनसे चूक हो रही है। इस मरतबा तान दिया आसमान में, क्या गेंद मैदान के बाहर, छह रन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐलान कर दिया है निखिल मात्रे ने। उन्नीस रन चाहिए, शायद अंपायर यही कह रहे हैं कि बल्लेबाजों ने इससे पहले जो रिव्यू लिया था, एक रिव्यू दोनों साइड को दिया गया है। चार गेंदे 19 रन, उम्मीद की किरण अब जगती हुई गावदेवी अंजूर के लिए। यस गुड इवनिंग, ये हमारे तमाम दर्शक जिनके बगैर ये स्पर्धा अधूरी है, बालिया मामा चषक। चार गेंदे 19 रन, कुणाल मात्रे भी एकदम फ्रेश होकर फिर से जुड़ चुके हैं मिस्टर आईपीएल, सज धज कर कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका। चार गेंदे 19 रन, एक और मिस्टर मिस्टो के इस मरतबा और आउट हो गए निखिल मात्रे। नहीं कर पाए, आउट होके चले गए निखिल मात्रे। तीन गेंदे और 19 रन, आने वाला बैट्समैन अगर तीन गेंदों में तीन सिक्सर लगाता है तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा।
एक रास्ता बचा है, अमिताभ का आखिरी रास्ता, और यहाँ अंजूर के लिए एक ही रास्ता। रोहित आए बल्लेबाजी को, काम बहुत मुश्किल है, जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना होगी, और जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है। बढ़िया गेंद, अंधाधुन बल्ला चला दिया, रन पूरा। दो गेंदों में अब 18 चाहिए। ये देखिए सुमित कुमार इन कंपनी गुंदोली प्रेजेंट, बाल्या मामा चषक 20-23। बहुत खूबसूरत नज़ारा हमारे प्रवेश दौर का। स्विंग एंड मिस, इवन जोड़ी नावा कामोटे से दो दो हाथ लेने के लिए तैयार हो चुकी है। अभिनंदन नीलेश पाटिल, सुकेत डाकी, मनीष गरत, वैष्णव भोईर एंड ऑल टीम। एक गेंद 18 रन, हार्ड लक गावदेवी अंजूर, हेलीकॉप्टर ड्राइव, और इस मैच को जीत लिया है यहाँ पर एवन जोड़ी नावा ने। हार्ड लक KM, हार्ड लक सुनील गरत, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं मनीष गरत। क्या अद्भुत नजारा है तेजस्वी सदन का, ब्यूटी। ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे का यह बांग्लो है तेजस्वी सदन, और ये निकलता हुआ चांद। कितनी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है। तो आइए कमेंट्री का चांद मिस्टर आईपीएल, आईपीएल की मखमली आवाज़ मिस्टर आईपीएल कुणाल दत्ते से सुनते हैं। अगले मैच का आंखों देखाल, टॉस के लिए कमेंटेटर अजय गरत।